हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोई फिल्म में ई लाभार्थी। अगर आपके घर में कोई भी वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या विधवा पेंशन का या तो जितने भी पेंशन है फ्रेंड्स उसका लाभ अगर लेते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है, यानी कि ये आपको जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका ई केवाईसी यानी कि जो आपका वार्षिक ई केवाईसी होता है फ्रेंड्स, अगर वो आप नहीं करवाए हैं तो आपको आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। तो इस लिस्ट में आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप समझिए कि आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है और आपको ई केवाईसी जल्द से जल्द आपको नजदीकी सीएससी सेंटर से जाके करवा लेना है, अन्यथा आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिस्ट को आपको चेक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहां से जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। प्रखंड सेलेक्ट जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे आपका पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना पूरा उस पंचायत में जिन लोगों का नहीं बना हुआ है, ई केवाईसी नहीं हुआ है, उनका सारा नाम और उनका बेनिफिशियरी आईडी नेम आ जाएगा। तो यहां से जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन, बीडीपीएस पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, एलएसएसपीएस पेंशन, फीमेल वेन, सभी लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है फ्रेंड्स। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम होगा फ्रेंड्स तो आपको पेंशन रोक दिया जाएगा। इससे पाने के लिए आपको जल्द से जल्द जाके सीएससी सेंटर से केवाईसी करवाना होगा। अब ये केवाईसी कैसे होगा फ्रेंड्स वो मैं आपको सारा डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, जितने भी सीएससी भीएलई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका उनको ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ। यहाँ पे लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पर जैसे ही लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट करेंगे तो सीएससी लॉग इन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड दे देना है फ्रेंड्स। जो जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो अपने नजदीकी गाँव या शहर में जाएंगे तो वहाँ पे सीएससी सेंटर से उनके पास ये आईडी और पासवर्ड होता है तो वो आपका केवाईसी जितने भी घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं या जो भी है तो उनका केवाईसी आप करवा सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं मैं आपको अपना आईडी और पासवर्ड देके फिलअप करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही आईडी और पासवर्ड देके आप लॉग इन करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगा, ई लाभार्थी आधार ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे सबमिट जीवन प्रमाण पत्र ई केवाईसी जो होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अपना बेनिफिशियली आईडी दे देना है। यहाँ पे बेनिफिशियली आईडी पे या आधार नंबर या अकाउंट नंबर, तो वो मैं यहाँ से एक बेनिफिशियली आईडी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको बेनिफिशियली आईडी पे जाके उसके बाद पेस्ट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम, उनका बैंक में जो नाम है, आधार नंबर, उनका आधार पे नाम और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर और जिस भी वार्ड से वो आते हैं वो वार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में दिया गया फ्रेंड्स दोनों में से कोई एक देख आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे उनका जो भी नाम है फ्रेंड्स वो नाम आपको यहाँ पे आधार के अनुसार फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो नाम सेंशन किया गया था वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना। उनका आधार नंबर अगर सही दिया गया है तो वो आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर गलत दिया रहेगा तो वो आपको सही कर देना। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद ऑथराइज लिंक वन, एनआईसी या टू पर दोनों पे कोई पे क्लिक करके आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी एरर आया क्योंकि इसमें मोफो डिवाइस नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डेट ऑफ बर्थ भी उनका नहीं दिए हैं। तो यहाँ देने के बाद आपको सिंपली फ्रेंड्स इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होके आएगा, वहां से आप उनका अंगूठा ले लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद उनका ईकेवाईसी हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनका ईकेवाईसी फ्रेंड्स करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू।